नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। और देखिए, आज आपके लिए एक बहुत ही रोचक विषय पर एक छोटा सा संक्षिप्त वीडियो बना के लाया हूं और आपसे उम्मीद है कि आपको ये अवश्य पसंद आएगा। बच्चों, क्या है ये विषय आपके सामने है? टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। तो बच्चों, वेबसाइट्स क्या होती है ये तो आप सब जानते हैं। अगर आप पूछेंगे कि वेबसाइट्स क्या है, तो वेबसाइट्स आर द कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स। बच्चों क्या होता है ये? आपका कलेक्शन होता है किसका? वेब पेजेस का। वेबसाइट्स आर द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, दैट यू नो वेरी वेल। इसमें कोई बहुत ज्यादा बली चीज मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन बच्चों प्रश्न ये उठता है कि वेबसाइट्स कितने प्रकार। देखिए, आज के दौर में बिना वेबसाइट्स के हमारा आपका काम चलने नहीं वाला, क्योंकि हर चीज अब बच्चों ऑनलाइन है, हर सर्विस ऑनलाइन है। आपको कोई भी काम करना है, आप सबसे पहले प्रेफर करते हो ऑनलाइन मोड हो जाए तो बेहतर होगा। क्यों हो जाए? क्योंकि आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके लिए आसानी है। आप कहा जाए, हमारी वे ऑफ लाइफ को इसने चेंज कर दिया, लाइफ के वर्किंग प्रिंसिपल को एकदम बदल कर रख दिया जिस टेक्नोलॉजी ने, उसका नाम है बच्चों वेबसाइट्स। तो वेबसाइट से आप सारे परिचित हो, भली भांति परिचित हो ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन बच्चों, उसी में एक कदम आगे अगर मैं डिस्कस करूं आपके साथ कि वेबसाइट्स कितने प्रकार की होती है, तो भैया आपकी वेबसाइट्स को अगर आप क्लासिफाई करने जाओगे बच्चों, तो आप इसको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। पहला, जिसको मैं कहूंगा स्टैटिक वेबसाइट्स, और सेकंड वन जिसको कि मैं नाम दूंगा डायनेमिक वेब साइट्स। वन विच इज कॉल्ड स्टैटिक, अनदर वन विच इज कॉल्ड डायनेमिक। अब मैं इसके बारे में अंदर बताऊं, इसके पहले आपको यह जानकारी दे दूं कि वो वेबसाइट्स जो आपका किसकी मदद से बच्चों, HTML, जो आपका CSS, जो आपका बच्चों जावा स्क्रिप्ट जैसी टेक्नोलॉजी से बनती है, और वो वेबसाइट्स बच्चों जिसमें हम यूज करते हैं PHP या रूबी या पाइथन विथ डेटाबेस। देख लीजिए बच्चों, सरल भाषा में तो ऐसे ही हम समझा सकते हैं कि वो वेबसाइट्स जिनमें HTML, CSS, JavaScript की मदद से हम डिजाइनिंग करते हैं, इसको रन करते हैं, वो कहलाती है तुम्हारी स्टैटिक वेबसाइट्स। और बच्चों, वेब वेबसाइट्स जिसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, डेटाबेस का यूज है, डेटाबेस का उपयोग है ना, PHP है आपकी, रूबी है आपकी, पाइथन, C++, माने जो मोर कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है, उसको हम बच्चों बोलते हैं आपकी कौन सी वेबसाइट्स? डायनेमिक वेबसाइट्स। तो देखिए, दो पहलू हैं। अब आइए शुरुआत करते हैं कि किसे हम स्टैटिक वेबसाइट्स कहेंगे। आइए बिना देर किए समझाने की कोशिश करता हूं। स्टैटिक वेब साइट्स को, कैसी वेबसाइट्स को बच्चों हम लोग स्टैटिक कहेंगे? तो आप कह सकते हैं इट रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। बच्चों ये आप इसको रेफर्स कर सकते हैं कि ये कलेक्शन है किसका? वेब पेजेस का। हुज कंटेंट आर फिक्स्ड फॉर
एवरी यूजर। बच्चों बहुत क्लियर कट एक्सप्लेनेशन अगर आप कम से कम शब्दों में कहें तो वो वेबसाइट्स जो हर यूजर को एक ही जैसा कंटेंट डिस्प्ले करेगा और जिसके कंटेंट में बच्चों हम लोग कोई बदलाव नहीं कर सकते, ऐसी वेबसाइट्स को हम लोग स्टैटिक वेबसाइट्स कहेंगे। बात क्लियर हो गई होगी। अब मुद्दा उठता है, जरा सा आगे बढ़ते हुए आपको समझाता हूं, आपकी जो बच्चों स्टैटिक वेबसाइट्स हैं उसके दो पहलू। पहला, इट इज फिक्स्ड कंटेंट, और वो भी फिक्स्ड कैसा, HTML पेज। नंबर दो, इट इज लेस कॉम्प्लेक्स, जटिल भी ज्यादा नहीं है। नंबर तीन, लो कॉस्ट, कम खर्च में डेवलप हो जाएगी। ये सारी इसकी खास बातों में मैं बजा रहा हूं बच्चों, है ना। चौथी बात, फास्ट लोडिंग, ये आपके स्टैटिक वेबसाइट्स की प्रमुख बातें जो कि मैंने आपके सामने लिख दिया बच्चों, है ना। अब इसकी कुछ कमियां, नॉन इंटरैक्टिव, कैन नॉट चेंज, यानी इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते, कैन चेंज बाय एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको एडमिन हम कहते हैं ओनली। देखो बच्चों, कुछ एडवांटेज हैं कुछ कमियां हैं, लेकिन दोनों आपको जानना है कि भैया क्या कमियां हैं और क्या एडवांटेज है। अगर आप स्टैटिक वेबसाइट्स की बात करेंगे, फिक्स्ड कंटेंट होगा, एचटीएमएल पेजेस होंगे, लेस कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, लो कॉस्ट, कम खर्च में बन जाएगा। फास्ट लोडिंग का मींस क्या होता है बच्चों, स्टैटिक पेज है, सर्वर से डाउनलोड होना है, ब्राउजर पे गए आपने यूआरएल टाइप किया, सर्वर से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉन इंटरैक्टिव का मतलब क्या है, यूजर इंटरैक्ट नहीं कर सकता, जैसा सर्वर पे वेब पेज है, जैसा कंटेंट है, यूजर उसको देख सकता है, यूज कर सकता है, दैट्स ऑल, कैन नॉट चेंज। हम चाहकर भी स्टैटिक वेबसाइट के बच्चों कंटेंट में बदलाव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, हमारे लिए अलाउड ही नहीं है, फिक्स्ड कंटेंट जो कि बदला नहीं जा सकता। तीसरी, कैन नॉट, अच्छा कौन बदल सकता है, अगर आप कहेंगे साहब बिल्कुल नहीं बदला जा सकता, तो मैं वो भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं बच्चों बदला जा सकता है, लेकिन कौन करेगा, जो मेंटेन कर रहा है वेबसाइट को, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी वो पर्सन जो मेंटेन कर रहा है, क्रिएटर है वेबसाइट्स का। तो स्टैटिक वेबसाइट्स लिमिटेड पर्पस यूज में आती है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं यूज आती, लेकिन बच्चों ज्यादा डिमांड आज की डेट में जिसकी है वो दूसरा, वो दूसरी टेक्नोलॉजी जो बच्चों, जिसका नाम है डायनेमिक वेबसाइट्स। कौन सी वेबसाइट्स, डायनेमिक वेबसाइट्स, दे आर द काइंड ऑफ वेबसाइट्स हुज कंटेंट कैन बी अपडेटेड एट रेगुलर इंटरवल। बच्चों ये सबसे बड़ी बात जो डायनेमिक वेबसाइट्स के बारे में लागू होती है, क्या बात, कि डायनेमिक वेबसाइट्स के कंटेंट को आप रेगुलरली एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित
कर सकते हैं, है ना। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? डायनेमिक वेबसाइट्स की अगर आप बात करेंगे, एडवांटेज की अगर आप बात करें, पहली चीज कंटेंट कैन बी अपडेटेड, आप कंटेंट को बदल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। दूसरी खास बात, पहला तो हो गया कि कंटेंट कैन बी अपडेटेड एट रेगुलर इंटरवल, अर्थात आप उसमें इंटरैक्टिव वेब पेज इंटरैक्टिव होता है। तीसरी खास बात, यूज डेटाबेस। डेटाबेस क्यों यूज करता है ये बच्चों? डेटाबेस इसलिए यूज करता है ताकि सूचनाओं को प्रॉपर मैनर्ड वे में रखा जा सके। आज आप जानते हैं जितनी बड़ी वेबसाइट से, रेलवे की ले लो, आधार की ले लो, LIC की ले लो, बैंक्स की ले लो, बच्चों हर वेबसाइट्स में आपका डेटा प्रॉपर मैनर में स्टोर किया जाता है, और जब आप चाहते हैं आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी है आपकी डायनेमिक वेबसाइट्स। लेकिन अच्छा, इसको क्यों डेवलप किया जाता है? फॉर हैंडल कॉम्प्लेक्स वर्क। तो मैंने जितनी बात कही वो सब कठिन ही कार्य हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है बच्चों? तो इसका सबसे प्रमुख डिसएडवांटेज है डिफिकल्ट टू मेंटेन। मेंटेन मतलब बच्चों मरम्मत, जिसको वैसे तो कहते हैं, यहां पर मेरा मतलब है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना मुश्किल होता है, है ना। हाई कॉस्ट, इसकी लागत आपकी क्या है? बहुत ज्यादा होती है। मेंटेन करना, उसकी कॉस्टिंग, ये सब बहुत बड़ी चीजें हैं। और बच्चों सिक्योरिटी इश्यू होते हैं। आपको पता है कि हैकर्स आज के समय में जो भी इस तरह की वेबसाइट्स हैं, चूंकि उनके पास अथाह डेटा होता है, असीमित भंडारण होता है बच्चों, हैकर्स पीछे लग जाते हैं। तो अगर वेबसाइट में प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स ना हो, ऑथेंटिकेशन ना हो, वैलिडेशन ना हो कस्टमर का, तो डेटा लीक होने का चांस होता है, डेटा पे मैनिपुलेशन होने का चांस होता है, डेटा को अल्टर होने का चांस होता है, बदलाव कर देने का चांस होता है। किसके द्वारा? एक ऐसे पर्सन के द्वारा जिसको इस चीज की परमिशन नहीं दी गई है, जिसको हम लोग कंप्यूटर साइंस की भाषा में, नेटवर्क की भाषा में हैकर्स कहते हैं भैया। तो दोनों प्रकार की वेबसाइट्स हैं अच्छी, लेकिन बात करेंगे अगर आप लोड की, जिम्मेदारी की, कॉम्प्लेक्सिटी की, लागत की, समय की, अपडेशन की, तो निश्चित तौर पे बच्चों डायनेमिक वेबसाइट्स आर मच मोर लार्जर देन कंपेयर टू स्टैटिक वेबसाइट। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको मेरा ये छोटा सा संक्षिप्त वीडियो, जिसमें कि मैंने वेबसाइट्स क्या हैं और कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आशा करते हैं बच्चों वीडियो पसंद आए, तो प्लीज हम इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि निरंतर ऐसे रोचक वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, उनका नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। इसी आशा के साथ अब मैं आपसे अलविदा कहता हूं बच्चों, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।